किसान भाइयों नमस्कार। अपना कृषि समाज चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं आपको ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई। किसान भाइयों, समय के अनुसार किसान भी बदल रहे हैं और आधुनिक तकनीक से गन्ना बुआई कर रहे हैं, जिससे उनको लाभ भी हो रहा है और प्रति वर्ष हमारी जो गन्ना उत्पादन, औसत गन्ना उत्पादन है, वो साल दर साल बढ़ रहा है। किसान भाइयों, अगर हम पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो जो हमारा औसत प्रति हेक्टेयर गन्ना का उत्पादन है वो बढ़ा है। उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार 3 वर्षों से अव्वल नंबर पे रहा है। किसान भाइयों, अगर पेराई सत्र की बात करें तो 2021 में शामली 1,004.28 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन करने वाला प्रथम जिला उत्तर प्रदेश का रहा है। दूसरे नंबर पर मुजफ्फरनगर रहा है। किसान भाइयों, 923.20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मुजफ्फरनगर के किसानों ने गन्ना पैदा किया है। मेरठ तीसरे नंबर पर रहा है, 911.76 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ना उत्पादन किया है। किसान भाइयों, पिछले साल 2019-20 के पेराई सत्र में शामली भी प्रथम रहा था, उसने 990.64 प्रति एकड़ की दर से गन्ना बोया है। ये जो हमारा साल दर साल गन्ना उत्पादन बढ़ रहा है, इसका भी आधुनिक नई तकनीक का उपयोग प्रयोग में लाने का कारण है। किसान भाइयों, ट्रेंच विधि अपनाकर किसान भाइयों ने अपना गन्ना उत्पादन बढ़ाया है और आज उसी के विषय में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। किसान भाइयों, हमारे बुलंदशहर की बात करें हम तो 18-19 में तीसरे नंबर पर रहा था, लेकिन कारणवश आज तीसरे नंबर पर भी नहीं है। किसान भाइयों, इस विधि से खेत तैयार करने के बाद आप ट्रेंच ओपनर से लगभग 1 फीट चौड़ी और लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बना लेते हैं। ध्यान रहे कि एक नाली में दूसरी नाली की दूरी लगभग 120 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी लगभग 1 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरह पूरे खेत में ट्रेंच बनाकर तैयार कर लें। अब ट्रेंच में सबसे पहले उर्वरक डालना चाहिए। इसके अलावा रासायनिक खाद में DAP, यूरिया और पोटास डालें। इसके बाद प्रति हेक्टेयर के लिए 100 किलो यूरिया, 130 किलो DAP और 100 किलोग्राम पोटास को तीनों में मिलाकर ट्रेंच की तलहटी पर डाल दें। ध्यान दें कि जब आप उर्वरक डाल रहे हैं तो उस समय बुआई भी कर दें। किसान भाइयों, इस विधि से गन्ने की बुआई करने के लिए तैयार नालियों में 2 आँखों के उपचारित 10 से 12 गन्ने के टुकड़े प्रति मीटर की दर से डालें। उनकी आँखें अगल बगल रहें। ध्यान रहे कि गन्ने के टुकड़े को दीमक और अंकुर भेदक से बचाने के लिए ऊपर रीजेंट 20 किलोग्राम या फोरेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बाद में छिड़काव कर दें। इसके अलावा क्लोरो पाइफॉस 5 लीटर प्रति हेक्टेयर को 1875 लीटर पानी के साथ खोलकर टुकड़ों पर छिड़काव कर दें। इसके बाद गन्ने के टुकड़ों को ढकाई इस तरह से करें कि गन्ने के टुकड़ों के ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी ना पड़ पाए। ध्यान रहे किसान भाइयों, कोई भी बीज टुकड़ा खुला ना रहे और किसी पर ज़्यादा मिट्टी भी ना चढ़ पाए। अगर सिंचाई के साधनों की कमी है तो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर भुरभुरी मिट्टी से टुकड़ों को ढकना चाहिए। इस विधि से गन्ने की बुआई करने पर पानी का जमाव लगभग 80 से 90% होता है, जिससे फसल पैदावार के साथ साथ चीनी प्रता में भी वृद्धि होती है। आज के समय में किसान इस विधि को अपनाकर अधिक से अधिक फसल पैदा कर रहे हैं और उन अधिक से अधिक गन्ना का उत्पादन कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये विधि बहुत अच्छी विधि है और आधुनिक विधि को अपनाकर ही हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और
आई बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो को आप दे सकें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।